स्टूडेंट्स, अब है आपका चैप्टर 11। ओके, चैप्टर 11 में चैप्टर है क्वाड्रिलेटरल का। तो क्वाड्रिलेटरल के बारे में हमें अच्छी तरह से ज़रूर जानना चाहिए। फिलहाल आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं, इसलिए मैं आपके केवल एक्सरसाइज के वीडियोज़ अभी सेंड कर रहा हूँ। जैसे ही आपके एग्ज़ाम कंप्लीट होते हैं, उसके बाद मैं क्वाड्रिलेटरल के बेसिक्स मैं आपको ज़रूर सेंड करूँगा। ओके, तो उन्हें आप कंप्लीट कर लीजिएगा, जिससे अगली क्लास में भी क्वाड्रिलेटरल है। ओके, तो जिससे उसमें प्रॉब्लम आपको ना हो, ठीक है। तो क्वाड्रिलेटरल स्पेशली तीन टाइप का होता है, फिर भी मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। ठीक, ये होता है ट्रेपेजियम, जिसे ट्रेपेजिया भी कहते हैं या फिर ट्रेपेजॉइड भी कहते हैं। ठीक, तो ट्रेपेजियम। और दूसरा जो क्वाड्रिलेटरल है वो होता है पैरेललोग्राम। ठीक, और तीसरा जो क्वाड्रिलेटरल है वो है काइट। ठीक, इससे भी पहले अगर हम बात करें पॉलीगॉन की, तो पॉलीगॉन तो आप पढ़ ही चुके हैं। तो पॉलीगॉन स्पेशली दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से? कॉन्वेक्स, ठीक, और कॉनकेव। ठीक ना, ये ध्यान रखिएगा, जो कॉन्वेक्स होते हैं इसके सभी एंगल्स, ठीक, सभी एंगल्स आर एंगल। ठीक, जो सभी एंगल होते हैं, सभी एंगल्स इज लेस देन 180 डिग्री। ठीक, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन के सभी एंगल्स 180 डिग्री से कम होते हैं। ठीक, और कॉनकेव पॉलीगॉन का कोई एक एंगल 180 डिग्री से अधिक होता है कॉन्वेक्स और कॉनकेव पॉलीगॉन में, यही डिफरेंस होता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, तो ये जो हम पढ़ रहे हैं पैरेललोग्राम क्वाड्रिलेटरल, ये हम केवल कॉन्वेक्स के टाइप पढ़ रहे हैं। ठीक ना, केवल हम कॉन्वेक्स के टाइप कंप्लीट कर रहे हैं। कॉनकेव के बारे में भी जब मैं आपको एक्सप्लेन अच्छी तरह से बताऊंगा क्वाड्रिलेटरल के पूरे टाइप्स, पूरे बेसिक्स, तो उसमें पूरे बताऊंगा। ठीक, तो ट्रेपेजियम। ठीक, और ट्रेपेजियम के बाद ट्रेपेजियम दो टाइप का होता है, एक आइसोस्केलस, ठीक, और एक स्केलेन। ठीक है, आइसोस्केलस जैसे कि आपको नाम से ही पता है, ट्रायंगल के बारे में आपको अच्छी तरह से पता है। तो आइसोस्केलस की जो नॉन पैरेलल साइड्स होते हैं, अब ये जो सिंबल मैं बनाया, ये देखिए, तो ये पैरेलल का सिंबल है, ये पैरेलल का सिंबल है। तो आपको अगर पैरेललोग्राम लिखना है तो आप इस तरह से भी सिंबल यूज़ करते हैं, ये हो गया पैरेललोग्राम। ठीक है, और पैरेलल का सिंबल तो आप अच्छी तरह से जानते हैं पिछले क्लास से ही, फिर भी बता दे रहा हूँ। नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल होती हैं आइसोस्केलस में, और इसमें नॉन पैरेलल साइड्स अनइक्वल होती है। ओके, पैरेललोग्राम के बारे में तो आप जानते हैं कि अपोजिट साइड्स इक्वल एंड अपोजिट एंगल भी इक्वल, और अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होती हैं। ठीक है, पैरेललोग्राम के तीन चार टाइप होते हैं, उनमें से स्पेशल हैं रेक्टेंगल, ठीक, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, और रॉम्बस है। ठीक है, रॉम्बस, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ये ध्यान रखिएगा। जैसे हो गया स्क्वायर, तो स्क्वायर भी हर एक स्क्वायर पैरेललोग्राम होता है, लेकिन हर एक पैरेललोग्राम स्क्वायर नहीं होता। मीन्स ऊपर वाला नीचे वाला हमेशा ऊपर वाला नीचे वाला हो या ना हो, लेकिन नीचे वाला ऊपर वाले की वैल्यू जरूर होगा, जिस क्योंकि जिसका वो पार्ट है उसको तो जरूर होगा, लेकिन पार्ट भी वही हो जरूर नहीं है। ठीक है, अब ट्रेपेजियम भी हर एक पैरेललोग्राम ट्रेपेजियम जरूर होता है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा अच्छी तरह से। और काइट, सिंगल काइट ही होता है, काइट सिंपल, इस तरह से दो आइसोस्केलस ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन होता है, ये और ये। ठीक है, तो ये रहे टाइप्स, कुछ फार्मूले रेडी कर लेते हैं। तो फिलहाल क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल में जैसे हम रेडी किए थे, लेटरल ट्रायंगल में हम रेडी किए थे क्या एलिमेंट हैं, क्या सब कैसे हैं। तो यहाँ भी इसके जो एलिमेंट्स हैं, चार एंगल्स होते हैं, ठीक, और चार साइड्स होते हैं, साथ में दो डायगोनल्स होती हैं,
ठीक ना। तो कुल मिला के 10 एलिमेंट्स होते हैं, ओके 10 एलिमेंट होते हैं, ठीक है। अब 10 एलिमेंट के बाद अब सिंपल सा क्वेश्चन है पहले कि नंबर, कुछ फॉर्मूले मैं आपको बताता हूँ, नंबर ऑफ डायगोनल्स इन ए पॉलीगॉन, किसी पॉलीगॉन में कितने डायगोनल हैं, अगर साइड n हो तो इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n माइनस 3 और अपान 2, ठीक है। फिर दूसरा फार्मूला है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन होता है n माइनस 2 इंटू 180। फिर तीसरा फार्मूला है वन एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन। अब ये नया वर्ड कैसे आ गया रेगुलर पॉलीगॉन, रेगुलर पॉलीगॉन वो होता है कि साइड्स भी इक्वल हो और एंगल भी इक्वल हो, मींस वो इक्वेंगुलर और इक्विलेटरल हो, ठीक। तो इस कंडीशन में एक एंगल की वैल्यू होती है n माइनस 2 इंटू 180 और अपान 2, ठीक। फिर अगला फार्मूला है सम ऑफ आल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन, ये नॉर्मल वैल्यू है 360 होता है, ठीक है, हर एक एंगल की वैल्यू, और वन एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन। अब ये जो वन एंगल है, मैं वन एक्सटीरियर एंगल की बात कर रहा हूँ, ठीक है, इक्वल होता है 360 अपॉन एन, ठीक है। तो यही जो पूरे फार्मूले हैं, यही फार्मूले पहली एक्सरसाइज में आपके काम आएंगे। चलिए तो मैं आपको पहले एक्सरसाइज कंप्लीट करवाता हूँ स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे हम चलते हैं, पहला क्वेश्चन है इसमें, फर्स्ट क्वेश्चन है ये, देखिए नाम लिखना है, नेम द टाइप ऑफ पॉलीगॉन, ओके। तो ए पॉलीगॉन विथ ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल, तो सभी साइड सभी एंगल किस में होते हैं, तो ये रेगुलर पॉलीगॉन में होते हैं, ये चीज़ हमने अभी अभी कंप्लीट किया। फिर एक ऐसा पॉलीगॉन हुज वन इंटीरियर एंगल इज मोर देन 180, अभी अभी हमने कंप्लीट किया, ये कॉन्वेक्स पॉलीगॉन होता है। और ए पॉलीगॉन हुज ऑल इंटीरियर एंगल आर लेस देन 180 डिग्री, तो ये कॉनकेव होता है, कॉनकेव, और ये कॉन्वेक्स पॉलीगॉन होता है। फिर इसमें लिखा हुआ है ए पॉलीगॉन विथ 9 साइड्स, ऐसा पॉलीगॉन जिसमें 9 साइड हों, तो यह नॉनेगॉन कहलाता है, ठीक। और ए पॉलीगॉन फॉर विच द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स इज 720, तो हम क्या करते हैं 720 की वैल्यू पता कर लेते हैं, कितने इसमें एंगल, वन एंगल की वैल्यू कितनी होगी, तो फटाफट फाइंड कर देते हैं n माइनस 2 और मल्टीप्लाई 180, क्योंकि ये इसकी वैल्यू है, तो पहले फटाफट हम 180 से डिवाइड करते हैं, तो 0 कैंसिल, 18 1 जा 18 4 जा, अच्छा 2 ट्रांसपोज करेंगे तो इक्वल 6 साइड, मतलब ये हेक्सागोन है, ठीक। और ए पॉलीगॉन हुज ईच एंगल इज 108, हर एक एंगल 108 है, तो इसकी भी इसी तरह वैल्यू निकाल लेंगे और पता कर लेंगे कि किस टाइप का पॉलीगॉन है, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन कहा गया है हाउ मेनी डायगोनल्स आर देयर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, ओके। तो कॉन्वेक्स पेंटागॉन, जो पेंटागॉन है इसमें कितने डायगोनल होते हैं, तो पेंटागॉन चाहे कैसा भी हो, कॉन्वेक्स हो या कॉनकेव हो, पॉलीगॉन चाहे कैसा भी हो, कॉन्वेक्स या कॉनकेव हो, उसमें नंबर ऑफ डायगोनल से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स के 5 ही होंगे। रेगुलर नॉनेगॉन, इसमें कितने डायगोनल होती हैं, तो फार्मूला हम लगाएंगे n माइनस 3 इंटू n अपॉन 2, ठीक है। यहाँ n की वैल्यू 9 है, 9 माइनस 3 6 आएगा, 6 को 2 से डिवाइड कर 3 आएगा, 9 3 27, मतलब कितनी डायगोनल्स होंगी 27। ट्राइंगल में डायगोनल होती नहीं है, और हेप्टागोन मतलब 7 साइड्स है, उस फार्मूले में वैल्यू रखेंगे और सॉल्व करेंगे। चलिए आगे क्वेश्चन में सॉल्व करवाता हूँ। क्वेश्चन नंबर, अब हम थर्ड में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड में है कि
बताइए एक ऑल इंटीरियर एंगल की वैल्यू कितनी होगी अगर नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, थ्री मीन्स एन इक्वल कितना है थ्री, ठीक है। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, हमने अभी अभी फार्मूला रेडी किया है, ये होता है एन माइनस टू इंटू 180, ठीक है। एन के वैल्यू यहाँ क्या है थ्री है, तो थ्री माइनस टू मल्टीप्लाई 180, अब थ्री माइनस टू वन होता है तो वन मल्टीप्लाई 180 डिग्री इक्वल 180 डिग्री, मीन्स अगर किसी भी पॉलीकॉन में तीन साइड्स हैं उसके सभी एंगल का सम कितना आएगा 180 डिग्री आएगा। इस वजह से आप क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर जो फोर है, क्वेश्चन नंबर फोर का फर्स्ट ये है फिगर इसका, इस वजह से बना हुआ है, और आपके पास ये 100 डिग्री, ये वाला एंगल 80 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री और ये एंगल दिया हुआ है वाई, आपको पता करना है ये क्या है। देखिए एक दो तीन चार, चार साइड है मतलब क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल को सम करने पर क्या आता है पता कर लेते हैं। फिलहाल वाई प्लस 100 प्लस 80 प्लस 90 इक्वल, क्वाड्रिलेटरल में एन इक्वल फोर होता है तो एन माइनस टू इंटू 180, ठीक है, कोई वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं है, ओके। अब हम 8 और 80 90 को ऐड कर लेते हैं, उसके बाद 100 को भी ऐड कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा इन तीनों को सम करने पर, तो 98 17 170 और 270, तो वाई प्लस 270 डिग्री इक्वल, यहाँ पे एन है 4, 4 में 2 माइनस किए आ गया 2 मल्टीप्लाई 180, वाई इक्वल 180 का जब 2 से मल्टीप्लाई किए 360 आया, 360 माइनस 270 और माइनस कर देते हैं y इक्वल आ जाएगा 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर इसी का सेकंड है, इसमें लिखा इस तरह से फिगर बना हुआ है, तो ये क्या है हेक्सागोन है, ठीक। तो यहाँ पर z, ये भी z, ये भी z और ये भी z, ठीक। ये एंगल है 40 डिग्री और ये भी एंगल है 40 डिग्री, यहाँ पर नंबर ऑफ साइड्स कितना है 6 है, हम क्या करेंगे z plus z plus 40 इक्वल n माइनस टू इंटू 180, तो एक दो तीन चार तो 4z प्लस 80 इक्वल n की वैल्यू क्या है यहाँ 6 माइनस टू मीन्स 4 मल्टीप्लाई 180। अब हम 4 का 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 4z इक्वल मल्टीप्लाई करने पर 18, 4 जा कितना होता है 720 आएगा माइनस 80, ठीक। और z इक्वल 720 में 80 माइनस कर देते हैं तो आ जाएगा 640 अपॉन 4, z इक्वल हमें मिल जाएगा 160 डिग्री। स्टूडेंट्स इसी में एक थर्ड फिगर भी है, ये इस तरह से कुछ है, ठीक है। तो ये रहा ये और ये, ठीक। तो यहाँ पर एंगल दिया हुआ है 70, यहाँ पर ये 80, ये वाई, यहाँ पर ध्यान रखिएगा ये दूर दूर है, ये पास में ही नहीं है, यहाँ पर ये भी वाई और ये अंदर का 110 और ये बाहर का 80 दिया हुआ है। हम यहाँ क्या करेंगे, ये कितने साइडेड है, एक साइड दो तीन चार पाँच और ये छः साइड है, हेक्सागोन है, ये 80 है, हम पहले ये अंदर का और यहाँ पर अंदर का निकाल लेते हैं। हमने माना कि ये ए है, ये एंगल बी है, ये एंगल सी है, यहाँ क्या हो जाएगा ए प्लस 70 इक्वल 180, क्यों, क्योंकि लीनियर है, ठीक। तो सबसे पहले हम सभी अंदर की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो आ जाएगा a इक्वल 110 माइनस किए तो, ठीक। उसी तरह से क्या आ जाएगा b प्लस 80 इक्वल 180, तो b इक्वल आ जाएगा 100 डिग्री। सेम उसी तरह से ये दूसरी वैल्यू आ गई c प्लस 80 इक्वल 180, तो c इक्वल आ जाएगा
100 डिग्री। ओके, अब इन हेक्सागोन, हेक्सागोन में क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस वाई प्लस वाई प्लस 110, 6 एंगल हो गए, इक्वल एन माइनस टू इंटू 180 डिग्री। ठीक है, ए बी सी की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, ए की वैल्यू 110, बी की वैल्यू 100 और सी की वैल्यू भी 100 और प्लस 2y और प्लस 110 इक्वल 6 माइनस 2 इंटू 180। अब 100 100, अब इसे हम ऐड कर लेते हैं। ठीक, तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये 110 है, ये भी 110 है, 220 और ये 400 आ जाएगा, 420 प्लस 2y इक्वल 4 मल्टीप्लाई 180, 2y इक्वल 18 4 7 20 माइनस 420, तो y इक्वल माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 300 अपॉन 2, इम्प्लाइज दैट y इक्वल 150। डिवाइड करने पर y की वैल्यू आ गई। स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन, इसका जो फोर्थ नंबर है ये भी बहुत ही सिंपल है, क्योंकि क्वाड्रेटरल है, इसको इससे पढ़ाया गया है। यहाँ पे 100 डिग्री है, इसके अंतर का फाइंड कर लीजिए, इसके बाद ये 120 है और ये एंगल एक्स है और ये वाला एंगल 80 है, इसके अंदर का 80 आ जाएगा। अब एंगल सम प्रॉपर्टी से फिनिश कर लीजिएगा स्टूडेंट्स। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 का फर्स्ट है, ठीक, वन एंगल पता करना है रेगुलर ऑक्टागोन का, वन एंगल ऑफ रेगुलर ऑक्टागोन। ठीक, तो यहाँ एन इक्वल आपको 8 मिल चुका है और वन एंगल का फार्मूला भी आपके पास है, एन माइनस टू इंटू 180 अपॉन एन। ठीक है, इक्वल क्या जाएगा, 8 माइनस टू इंटू 180 और अपॉन 8 इक्वल 6 मल्टीप्लाई 180 अपॉन 8। हम इसे सिंप्लीफाई कर देते हैं, सिंप्लीफाई करने के बाद डिग्री जरूर लगाए, इसे हमें सॉल्व करने पर मिलेगा 135। ओके, तो एक एंगल की वैल्यू 135 आएगी। ठीक है, और अब इसी में क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है, सेकंड में दिया हुआ है नंबर ऑफ डायगोनल इन ए हेप्टागोन। ठीक है, तो नंबर ऑफ साइड्स इन अ हेप्टागोन, हेप्टागोन कितने साइड होते हैं, 7 होते हैं, मीन्स आपको यानी कुल 7 मिला हुआ है। ठीक है, तो डायगोनल का फार्मूला आपके पास है, तो डायगोनल इक्वल एन माइनस थ्री एन इंटू एन माइनस थ्री अपॉन टू इक्वल 7 इंटू 7 माइनस थ्री अपॉन टू इक्वल 7 इंटू 7 में 3 माइनस की 4 और अपॉन 2, 2 वन जा 2 टू जा इक्वल 7 टू जा 14 डायगोनल। ठीक, तो हेप्टागोन में 14 डायगोनल्स होंगे, ये आपका आंसर हुआ। और अब है क्वेश्चन नंबर 3। ठीक, तो द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए पॉलीगोन विच हैज 27 डायगोनल्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ डायगोनल, इसमें डायगोनल दिया हुआ है इसलिए थोड़ा डिफरेंट टाइप सॉल्व होगा, डायगोनल्स 27। अब डायगोनल का फार्मूला क्या होता है, एन इंटू एन माइनस थ्री अपॉन टू इक्वल 27। इसलिए क्वेश्चन में आपको थोड़ा पिछले लेसन जिसमें फैक्टराइजेशन था उसकी याद आएगी जरूर, टू को ट्रांसफोज करते हैं, एन का मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा एन स्क्वायर माइनस थ्री एन इक्वल 54, या एन स्क्वायर माइनस थ्री एन माइनस 54 इक्वल 0। यहाँ देखिए आपको फैक्टराइज करना पड़ेगा, ऐसा नंबर ढूंढिए कि मल्टीप्लाई करने पर 54 आए और यहाँ इसकी साइन माइनस है तो माइनस करने पर 3 आए, ढूंढिए ऐसा नंबर। तो आप सोच चुके होंगे, तो वो नंबर है, यस यू आर राइट, वो नंबर हैं 9 और 6। यहाँ देखिए 3 नेगेटिव है इसलिए हमें 9 को नेगेटिव रखना होगा, 9n और प्लस 6n माइनस 54 इक्वल 0। अब हम रिपेयर
रिग्रुप करेंगे तो एन स्क्वायर माइनस नाइन एन और प्लस सिक्स एन माइनस फिफ्टी फोर ओके इक्वल ज़ीरो। इससे हम कॉमन ले लेते हैं तो एन इंटू एन माइनस नाइन और प्लस सिक्स इंटू एन माइनस नाइन इक्वल ज़ीरो। आपके पास दो फैक्टर आ जाएंगे एन प्लस सिक्स और एन माइनस नाइन इक्वल ज़ीरो। अब आपके पास देखिए इनका मल्टीप्लाई करने पर जीरो आ रहा है, इसका मतलब कोई ना कोई एक जीरो है, तो क्या होगा एन प्लस सिक्स इक्वल जीरो या एन माइनस नाइन इक्वल जीरो। ट्रांसपोज करेंगे तो एन इक्वल माइनस सिक्स आएगा या एन इक्वल नाइन आएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ डायगोनल, जो नंबर ऑफ डायगोनल्स हैं वो क्या निगेटिव हो सकती हैं, नहीं हो सकती, नेवर बी निगेटिव। सो नंबर ऑफ डायगोनल हम साइड्स फाइंड कर रहे हैं तो सो साइड्स कितनी हो जाएंगी, नाइन, यह होगा आपका आंसर। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, थोड़ा सा लंबा हो गया है लेकिन ये इसी तरह से सॉल्व होगा ओके। अब क्वेश्चन नंबर सिक्स है, उसमें लिखा हुआ है कि एक इंटीरियर एंगल की वैल्यू रेगुलर पॉलीगॉन के 156 से है, ठीक है। इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन इक्वल है 156 डिग्री, तो एक्सटीरियर एंगल हम पता कर लेते हैं पहले, अच्छा रहेगा। एक्सटीरियर क्योंकि हमसे साइड पूछी गई है तो एक्सटीरियर एंगल होगा 180 माइनस 156 इक्वल आ जाएगा माइनस करने पर 24 डिग्री, ठीक। 24 डिग्री एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू आई। अब नंबर ऑफ साइड्स इक्वल सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स अपॉन वैल्यू ऑफ वन एंगल, क्योंकि ये रेगुलर पॉलीगॉन है, इक्वल 360 अपॉन 24। 360 को हम 24 से डिवाइड करते हैं, डिवाइड बाय 24 तो आ जाएगा 15, मीन्स नंबर ऑफ साइड्स कितनी हैं, 15 है। कितना आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आता है क्वेश्चन नंबर सेवन। क्वेश्चन नंबर सेवन दिया हुआ है इन हेक्सागॉन, हेक्सागॉन इसका मतलब छः साइड हैं, तो एंगल्स दिए हुए हैं, एंगल्स आर एक्स एक्स माइनस फाइव, एक्स माइनस फाइव, टू एक्स माइनस फाइव, टू एक्स माइनस फाइव और टू एक्स प्लस 20। तो इस क्वेश्चन में आपको x की वैल्यू पता करनी है, ठीक। तो हेक्सागॉन में होता क्या है, हेक्सागॉन सभी अंगों को सम करने पर x प्लस 5 प्लस सॉरी यहाँ माइनस होगा x माइनस 5 प्लस 2x माइनस 5 प्लस 2x माइनस 5 प्लस 2x प्लस 20 इक्वल n माइनस 2 इंटू 180, क्योंकि हमें सभी एंगल का सम चाहिए। तो ये फार्मूला लगा देते हैं, n की वैल्यू अपने पास 6 है, 1 2 3 4 5 मीन्स 2 है, 1 2 3, 3 2 5, 5 2 7, 7 2 9, ये हो गया 9x, 5 5 10, 10 5 15, 15 और 5 20 तो माइनस 20 और यहाँ प्लस 20 भी है, प्लस 20 इक्वल 6 माइनस 2 इंटू 180, 20 20 कैंसिल आया, 9x इक्वल 6 में 2 माइनस करते हैं 4 मल्टीप्लाई 180 डिग्री या x इक्वल 4 मल्टीप्लाई 180 डिग्री अपॉन 9, 9 1 जा 9, 20 जा, ठीक है। तो x इक्वल आ गया 24 जा 80, x की वैल्यू आपकी आ गई। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है कि रेशियो ऑफ थ्री एंगल्स, ठीक, रेशियो ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज क्या दिया हुआ है, 3:5:2
8, तो वो जो एंगल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, 3x, 5x और 8x। ठीक, अब इनका मीन दिया हुआ है, मीन है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही 80 डिग्री। तो मीन हम जानते हैं, पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है। तो यहाँ तीनों जो हैं तीनों को प्लस करेंगे, अपॉन 3 करेंगे, क्योंकि 3x प्लस 5x प्लस 8x सम ऑफ ऑब्जर्वेशन और अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इक्वल 80। 5 3 8 8 8 16, तो 16x अपॉन 3 इक्वल 80। ट्रांसपोज कर देते हैं तो x इक्वल आ जाएगा 80 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 16, 16 बन जाए 16 5 जा, तो इम्प्लाइज दैट x इक्वल आ जाएगा 15। ठीक है, अब x की वैल्यू जब 15 आ गई तो 3 एंगल्स हम फाइंड कर लेंगे। 3 एंगल्स आर, पहला जो एंगल था वो था 3x, तो इक्वल आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 15 मीन्स 45 डिग्री। जो दूसरा एंगल है 5x, तो 5 मल्टीप्लाई 15 इक्वल 75 डिग्री। जो तीसरा एंगल है वो है 8x, तो 8 मल्टीप्लाई 15 इक्वल 15 8 120 डिग्री। अब आपको चौथा एंगल भी फाइंड करना, क्योंकि हमें सभी एंगल चाहिए, तो फोर्थ एंगल इक्वल हो जाएगा, क्योंकि सभी एंगल को सम करने पर क्वाड्रेटर में 360 आता है, तो 360 माइनस इन सभी को प्लस करने पर क्या आएगा, या माइनस 45 प्लस 75 डिग्री प्लस 120 डिग्री, ठीक है, इक्वल 360 डिग्री माइनस, सभी को प्लस करते हैं, सभी को प्लस करने पर 45, 75, 120, 240 आएगा, ठीक है। और 240 में जब हम माइनस करेंगे, 240 और 60, 360, 120, जो तीसरा एंगल आएगा, चौथा एंगल आएगा, ये भी 120 डिग्री का होगा, ठीक है। तो ये आपको ये तीन एंगल्स, ये रहा चौथा एंगल, आपके चार एंगल्स फाइंड हो गए। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, जो फिगर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 9 के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में ये फिगर दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है डी, ये 120 डिग्री का है, और ये सी है, ये है 130 डिग्री का, ये है ए और ये है बी। ए का बाइसेक्टर है, मीन्स ये और ये एंगल इक्वल है, ए का बाइसेक्टर एओ है और बी का बाइसेक्टर बीओ है, ठीक, मीन्स ये दोनों भी इक्वल हैं। और आपको यहाँ पर एक वैल्यू है, एक एंगल है यक्स, इसकी वैल्यू पता करनी है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, OA इज बाइसेक्टर ऑफ, OA जो बाइसेक्टर है वो किसका है, एंगल A, सो OAB इक्वल एंगल OAB इक्वल एंगल A का आधा मीन्स 1/2 एंगल DAB हो जाएगा या नहीं, तो हमने रख दिया। एंड जो OB है, OB इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल B, सो एंगल OBA इक्वल 1/2 एंगल CBA, ठीक है। इतना कंप्लीट करने के बाद जो दिया गया है क्वेश्चन में वो आप फिनिश करेंगे जरूर, एंगल D इक्वल 120 दिया हुआ है और एंगल C इक्वल 130 दिया हुआ है, ये रूल दीजिएगा, ठीक है। अब इन क्वाड्रिलेटरल ABCD क्या है, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इक्वल 360, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल को सम करने पर 360 आता है। एंगल A की वैल्यू क्या है, तो एंगल A को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिनके नाम है DAO और OAB, ठीक है। तो एंगल DAO, यहाँ देखिएगा, अब हम 2 को ट्रांसपोज कर देते हैं, हम DAB को क्या लिख सकते हैं, 2AOB, ठीक है। तो हम 2 को ट्रांसपोज कर देते हैं, आ जाएगा 2 यहाँ, और यहाँ से भी हम 2 को ट्रांसपोज कर देते हैं, 2 आ जाएगा यहाँ, ओके।
तो डी ए ओ, ठीक है, एंगल ए को हम क्या लिख सकते हैं, डी ए बी को हमें एंगल ए को लिख सकते हैं टू एंगल ओ ए बी, ठीक है, एंगल ए को टू एंगल ओ ए बी प्लस एंगल बी को हम लिख सकते हैं टू एंगल ओ बी ए, टू एंगल ओ बी ए। फिर एंगल सी की वैल्यू है अपने पास प्लस 130 डिग्री, प्लस एंगल डी की वैल्यू है 120 डिग्री इक्वल 360 डिग्री। टू टू कॉमन यहाँ से ले लेते हैं, बचेगा ओ ए बी प्लस एंगल ओ बी ए, और प्लस इन दोनों प्लस करते हैं 130, 120, 250 आएगा, तो इक्वल 360 माइनस 250। टू को ट्रांसपोज करते हैं तो एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ओ बी ए इक्वल 110 अपॉन 2, तो एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ओ बी ए इक्वल 55 डिग्री आ जाएगा। इसे फर्स्ट छोड़ देते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमें इस एंगल की वैल्यू चाहिए, मीन्स हमें इस ट्रायंगल को सॉल्व करना होगा। इन ट्रायंगल ओ ए बी, इन ट्रायंगल ओ ए बी, ट्रायंगल ओ ए बी में एंगल ओ प्लस एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ओ बी ए, एंगल ओ प्लस एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ओ बी ए इक्वल आएगा 180 डिग्री, ठीक है। क्यों, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल ओ यहाँ एक्स लिखा हुआ है, प्लस ये देखिए यहाँ पे ओ ए बी और ओ बी ए आ गया, ये अपने पास 55 है, तो 55 डिग्री इक्वल 180 डिग्री, एक्स इक्वल 180 डिग्री माइनस 55 डिग्री, एक्स इक्वल आ गया 125 डिग्री, ठीक है। और ये इस क्वेश्चन का सलूशन, स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 है, जिसमें लिखा हुआ है टू रेगुलर पॉलीगॉन आर दैट द रेशियो बिटवीन देयर नंबर ऑफ साइड्स इज 1:3, रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ साइड्स इन रेगुलर पॉलीगॉन कितना है 1:3, तो लेट साइड्स, हमने माना साइड्स हैं n एंड 3n, ठीक है, साइड n और 3n है। अब क्वेश्चन में कहा गया है द रेशियो ऑफ मेजर ऑफ देयर इंटीरियर एंगल, उनके इंटीरियर एंगल का जो रेशियो है वो है 3:4, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम दोनों की अब इंटीरियर एंगल निकालेंगे, तो n वाले का जो इंटीरियर एंगल होगा वो होगा n माइनस 2 इंटू 180 अपान n, ठीक है, और इसका रेशियो मीन्स होल अपान अपान, क्योंकि हम रेशियो को अपान भी लिख सकते हैं। अब 3n वाले साइड, तो 3n माइनस 2 इंटू 180 अपान 3n इक्वल, क्वेश्चन में कहा गया है कि इसका रेशियो 3:4 है, 3:4 है। अब यहाँ देखिए हम क्या करते हैं, इसका इससे मल्टीप्लाई और इसका इससे मल्टीप्लाई, इस कंडीशन के बेसिस पे देखिए ये n और n कैंसिल हो जाएगा, ये 180 और 180 भी कैंसिल हो जाएगा, ओके। तो आपके पास बचेगा क्या, जब हम इसका इसका मल्टीप्लाई करेंगे 3:n-2, हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे 3n-2, ये बचाएगा, तो हम ये चीज़ आगे लिखते हैं, ऊपर आएगा 3:n-2, तो हम ऊपर लिखते हैं 3:n-2 और नीचे आएगा 3n-2 इक्वल 3:4। और इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तो आप एक्सपर्ट हैं एकदम, तो हम आगे उसे सिंप्लीफाई करते हैं, तो आ जाएगा 3n-6 / 3n-2 इक्वल 3:4, या ट्रांसपोज कर देते हैं तो 4:3n-6 इक्वल 3:3n-2, 4 = 12n - 4 =
24, इक्वल 3 जा 9 एन माइनस 3 2 जा 6, 12 एन माइनस 9 एन इक्वल माइनस 6 प्लस 24। 12 में 9 माइनस करते हैं तो 3 एन इक्वल यहाँ आ जाएगा 18 या एन इक्वल 6। मीन छोटे वाले जो डायगोनल छोटा वाला पॉलीगोन है उसमें 6 साइड्स हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ साइड्स इन पॉलीगोन, पहले वाले में कितनी है, एन इक्वल 6, एंड दूसरे वाले में 3 एन मीन्स 3 मल्टीप्लाई एन की वैल्यू 6 आई है इक्वल 18। ये आपके 6 और 18 साइडेड पॉलीगोन ये आपके आंसर रहे इस क्वेश्चन के, ओके। और इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने के साथ ही आपका ये जो एक्सरसाइज है 11.1 ये आपका कंप्लीट होता है, ठीक। 11.2, 11.3 भी मैं आगे जस्ट